देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना सैया क्षेत्र में हुई खाद बीज व्यापारी से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी पश्चिम आगरा देहात सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में पुलिस की चार टीमों ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपी समेत तीन लुटेरों को 2 लाख की नकदी और 3 अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी अन्य 3 लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। मामला बीते 26 सितंबर सोमवार देर शाम थाना सैया के लादूखेड़ा चौकी क्षेत्र में कस्बा लादूखेड़ा का है। लच्छूपुरा लादूखेड़ा निवासी कालीचरण त्यागी की कस्बे में अपनी त्यागी खाद बीज भंडार के नाम से दुकान है, जिसे वो बंद करके बाइक से घर जा रहा था। इतने में पीछे से 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने उसकी बाइक में जोर से टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट कर 3.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गुरुवार को खेरागढ़ सीओ महेश कुमार ने बताया कि सैया निवासी हाकिम सिंह दिव्यांग है, उसी ने घटना होने से पहले इसके बारे में रेकी कर बताया था, जिसके बाद वो 2 बाइक से खुद 5 लुटेरों को लेकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। हाकिम सिंह पहले भी एक चोरी की घटना में शामिल हुआ था। बाकी के लुटेरों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सीओ महेश कुमार ने बताया कि घटना के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने घटना में शामिल 3 लुटेरों 25 वर्षीय हाकिम सिंह पुत्र नेकराम निवासी साला पीलूखेड़ा थाना सैया, 23 वर्षीय चरत सिंह उफ तीरथ राम पुत्र महेंद्र गुर्जर निवासी ओछा कपूरा थाना मनिया धौलपुर और 26 वर्षीय सोनू पुत्र शंकर निवासी कुआखेड़ा महरू कपूरा थाना बाड़ी सदर धौलपुर राजस्थान को नगला मोहरे राजवाहा पुलिया थाना सैया के पास दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से लूट के रुपयों में से 2 लाख की नकदी, 3 अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आगरा से हमारे संवाददाता केशव आचार्य को स्वामी की रिपोर्ट। सर क्या होगा? देखिए, जैसा आप जानते हैं थाना सैया में लादूखेड़ा चौकी क्षेत्र में 26 तारीख की शाम 6:30 बजे एक लूट की घटना वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यापारी दुकानदार से 3.5 लाख रुपए लूट के बैग छीन के भाग गए थे। पुलिस ने तत्काल मौके का संज्ञान लिया और घेराबंदी की और उसकी कार्रवाई में हमने कई टीमें 4 टीमें गठित की, जिसमें कल हमें सफलता मिली और इसमें 6 अभियुक्त थे, जिसमें 3 की गिरफ्तारी की गई है। और इसमें मेन जो मुखबिर था, जो सूचनाकर्ता था, वो हकीम था, जो कि यहीं सैया का रहने वाला है, जिसका एक हाथ से विकलांग भी है, इससे पहले भी चोरी की कई घटना में जेल जा चुका है और मुकदमा कर चुका है। उसने अपने दोस्त जो है जयपाल को बताया था, सूचना दी थी कि व्यापारी है, तो रोज शाम को अच्छा गल्ला लेके जाता है घर पर, तो उसकी जानकारी थी। जयपाल ने अपने टीम लगाई इसमें और जयपाल के घर पर ही इस पूरी साजिश की गई, घटना की प्लानिंग की गई। उसके बाद ये लोग 2 बाइक से 3-3 लोग बैठ कर उन बाइक में आए और इसमें घटना को अंजाम दिया। और इसके बाद घटना करने के बाद ये लोग अपने क्षेत्र में राजस्थान के भाग गए। फिर उसने अपनी मुखबिरी लगाई और जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें हाकिम चरत और सोनू है, जिनके पास से 2 लाख रुपए कैश घटना में जो गया था बरामद हुआ है और 3 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 जो और शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है, जल्दी की गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें केवल एक ही हमारा हाकिम जो था, वो हमारे यहाँ का मुखबिर यहाँ का था, जो घटना में भी शामिल हुआ। बाकी सब लोग पड़ोस के धौलपुर जनपद के थे, पड़ोस के थे, राजस्थान बॉर्डर के थे। इनके पूर्ण रिकॉर्ड खंगाले आ रहे हैं, लेकिन ये शातिर लोग हैं, उनका रिकॉर्ड पता संबंधित थाने से पता किया जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।